स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट फॉर इंश्योरेंस क्लेम। लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस किए थे इंश्योरेंस क्लेम से। अभी हम देखते हैं स्कैनर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्स का लेवल क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक बार एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी फिर न्यू एग्जाम पैटर्न्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो पहले, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट पार्ट इंश्योरेंस क्लेम का, ऑलरेडी हमने बेसिक डन कर लिया है। नेक्स्ट इज अ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक पे प्रैक्टिस की थी, लॉस ऑफ स्टॉक पे याद भी करेंगे, ठीक है? देखिए 2013 दिसंबर 1 का क्वेश्चन है, 2013 दिसंबर 1 का क्वेश्चन है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन वर्किंग वेयर आवर रिक्वायर्ड अ फायर डैमेज द प्रीमिसेस। अ फायर डैमेज द प्रीमिसेस ऑफ ट्रेड ट्रेड रिजल्टिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक 1,10,000 का हमारा नुकसान हो गया। लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? 1,10,000। जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो सिंपल लिख लेना लॉस ऑफ स्टॉक, मेरा स्टॉक का नुकसान हुआ कितने का? 1,10,000 का। देखना ऐसे वर्किंग में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सेल्वेज वैल्यू 40,000, सेफ जो बच गया गुड्स 40,000 का, अगर 40,000 का सेफ बच गया तो माइनस कर लो सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू एजम्पशन ये ले रहे हैं कि ये टोटल गुड्स दिया हुआ है गोडाउन के अंदर, ठीक है? 40,000, अदरवाइज टोटल निकालने के लिए ये दोनों ऐड करने पड़ते हैं। तो मेरा नेट लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ होगा? नेट लॉस कितना हो गया हमारा? 70,000 रुपये का, ठीक है? नेट लॉस कितना हो गया? 70,000 का। 70,000 रुपये का हमारा नेट लॉस। अब पॉलिसी कितने की है हमारी? पॉलिसी हमने कितने की ले रखी है बताओ भाई? पॉलिसी ले रखी है आपने 50,000 रुपये की। एवरेज क्लॉज लगा दो, अगर गोडाउन का सारा माल जल जाता तो 50,000 रुपये मिलते, लेकिन अभी 70,000 का ही लॉस हुआ है, कितने में से? 1,10,000 में से। तो एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग कितना क्लेम मिलेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाई टोटल स्टॉक इन द गोडाउन, टोटल स्टॉक इन द गोडाउन इंटू में पॉलिसी वैल्यू, इंटू में पॉलिसी वैल्यू। तो लॉस ऑफ स्टॉक है हमारा भाई 70,000 रुपये का, जबकि टोटल स्टॉक था 1,10,000। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 50,000 रुपये से, तो आंसर देखते हैं कितना आता है। इसको सॉल्व कर लिया हमने, एक मिनट कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं इसको। 70,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू में 50,000, तो ये आ रहा है 31818। दिस इज योर इंश्योरेंस क्लेम, 31818, और कुछ नहीं करना, दिस इज योर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है? इसे कहते हैं हम एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, डन। और ये क्वेश्चन ट्राई, ये तो उसका है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देखो एक 2015 जून 6 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2015 जून 6 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें। ऑन 15 दिसंबर 2014 द परमिशन ऑफ नागर लिमिटेड डिस्ट्रॉय बाई फायर बट सफिशियंट रिकॉर्ड बच गया। स्टॉक 1 अप्रैल 2013 का मिल गया, 31 मार्च 2014 का मिल गया, ठीक है? तो इतनी चीज़ें तो एक बार हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ये हमने कॉपी कर ली, बाकी आगे देखते हैं क्या है। देखिए और परचेज लेस रिटर्न 31 मार्च तक की परचेज मिल गई लास्ट ईयर की, सेल्स भी मिल गई लास्ट ईयर की, यहाँ तक का डाटा मिल गया। अब मैं रिसेंट ईयर में आऊँ तो परचेज लेस रिटर्न 1 अप्रैल 2014 से 15 दिसंबर यानी अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। सेल्स लेस रिटर्न भी मिल गई हमें 11,62,000 रुपये अप टू द डेट ऑफ फायर तक का, ठीक है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को क्या किया था हमने? 6,900 का रिटर्न ऑफ कर दिया था, यानी लास्ट ईयर जब आप स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो कुछ खराब स्टॉक था, पुअर सेलिंग लाइन, मतलब कुछ बेकार स्टॉक था, इसको हमने राइट ऑफ कर लिया था। कितने रुपए से? 6,900 से। एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है इसकी? 2,700। देखो जब रिटर्न ऑफ करते हैं पिछले साल का स्टॉक उसके साथ कैसे डील करते हैं, ये चीज भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है?
अब लिखा है अ पोर्शन ऑफ दीज स्टॉक सोल्ड इन 2014 750 ओरिजिनल कॉस्ट कितने की एज द लॉस ऑफ 750 10,350 की इसकी कॉस्ट थी जो मैंने 750 रुपए के लॉस पे इसको बेच दिया। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द स्टॉक सेल्वेज वैल्यू कितना 17,500 यूनिफॉर्म रेट है ग्रॉस प्रॉफिट यानी लास्ट ईयर वाला ही रहेगा। स्टॉक इंसर्ट कितने का था 250 का था यानी सारा डाटा मिल गया हमें। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है इस लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए ठीक है। एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन रेलिवेंट होते हैं। ये 2015 का हमारा क्वेश्चन था लीजिए ये हो गया हमारा डन इसको भी यहाँ रखते हैं ओके। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा भाई इसमें सबसे पहले मुझे एक पिछले साल का क्या बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा 2000 पिछले साल का 31 मार्च 14 तक का फिर हम बना लेंगे 15 वाला। एक बनाना पड़ेगा 13 से 14 का तो पहले मैं 13-14 का बना लेता हूँ एक ट्रेडिंग पीएनएल सॉरी 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 देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप सबसे पहले लास्ट ईयर के लिए ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक पता करना हो तो कितना था हमारा पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक 2,20,500 रुपये 2,20,500 रुपये। लास्ट ईयर की परचेज कितनी थी परचेज भी चेक करते हैं परचेज भी गिवन है 11,94,000 रुपये परचेज भी गिवन है ना 11,94,000 रुपये एक परचेज गिवन है। उसके बाद क्या लिखा है सेल्स भी गिवन है भाई सेल्स सेल्स कितनी गिवन है 14,61,000 रुपये हमने सेल्स भी डाल दी बताओ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम्स। देन क्लोजिंग स्टॉक रहता है बस खर्चे तो है नहीं कुछ विजेस वगैरह दिए नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक देखें तो 238,800 तो दिया हुआ है 2,38,800 दिया हुआ है बट ये स्टॉक गलत है। स्टॉक गलत कैसे आप क्योंकि 2,38,800 जो दिया हुआ है इसको उन्होंने कुछ राइट ऑफ कर दिया। कितना राइट ऑफ कर दिया कुछ वैल्यू कम कर दी कितना 6,900 वापस बढ़ा दो इसको 6,900 ऐड कर दो वापस किसी स्टॉक इसमें कोई पार्ट था जो मैंने कम कर दिया 2,38,800 में 6,900 वापस जोड़ दो तो 2,45,700 हो जाएगा स्टॉक। अच्छा इसके अंदर एक ठीक पार्ट भी है खराब पार्ट भी है तो 2,45,700 में से जो खराब पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है ओरिजिनल वैल्यू 20,700 है। अगर मैं अलग करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ 20,700 का स्टॉक अलग और 2,25,000 का स्टॉक अलग 2,25,000 का स्टॉक अलग जो ये वाला था ये वाला राइट ऑफ कर दिया था हमने ऊपर वाला 20,700 वाला 6,900 रुपये तो वो वापस हमने बढ़ा लिया ठीक है। अब कुछ नहीं करना टोटल करना है यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको। देखो 14,61,000 प्लस 2,45,700 इसको नेक्स्ट ईयर कैसे परसेंट करोगे यहाँ पे ठीक कर लेना बस 17,06,700 रुपये 17,06,700 रुपये माइनस कर दो इसमें से 2,20,500 रुपये 11,94,000 रुपये 292,200 ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर। जीपी रेशियो 292,200 डिवाइडेड बाई 14,61,000 रुपये इंटू में 100 14,61,000 रुपये इंटू में 100 किया 20% तो 20% का ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। अब करंट ईयर का एक और बनाना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग ठीक है। ये बना लिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया इसको एक बार यहाँ से डाल लेते हैं। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट
इसको मैं साइड में रख देता हूँ, 20% का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब नेक्स्ट ईयर का जब आप बनाओगे 14 का, तो 1 अप्रैल 14 से 15 दिसंबर तक का बनाना पड़ेगा, करंट ईयर का। अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, इसमें डबल कॉलम बनाने पड़ेंगे, अब खराब आइटम भी है इसके अंदर। देखो एक और दो, दो कॉलम वाला बना लेना डबल कॉलम पे। ट्रेडिंग ये कहाँ से कहाँ तक बन गया? ये 1 अप्रैल 14 से, 1 अप्रैल 14 से ये बन गया 15 दिसंबर 14 तक। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, कुछ खराब आइटम भी है। जब इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक लिखते टाइम बच्चे याद रखना है, यहाँ पर देखो ये 20,700 अलग, 2,25,000 अलग। 2,25,000 तो नॉर्मल गुड्स हैं हमारे पास, 2,25,000 के हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं, और 20,700 के वो खराब वाले गुड्स हैं, उसके लिए मैंने अलग कॉलम बना लिया इस साल। पिछले साल अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर अलग करना पड़ेगा क्योंकि जब इसको बेचेंगे तो इस पे प्रॉफिट कुछ डिफरेंट होगा या फिर लॉस होगा, खराब माल है ये, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए इसको अलग करना है। ठीक है, सिंपल। अब इस साल का ओपनिंग पता चल गया तो इस साल की परचेज भी देख लो, 1 अप्रैल से कितनी है, 10,15,000 रुपए की परचेजेस है। परचेजेस डाल दो, टू परचेज 10,15,000 रुपए, बताओ कोई दिक्कत है तो। 10,15,000 की हमारी परचेज हो गई, सेल्स कितनी है चेक करना पड़ेगा। अब सेल्स में खराब माल की भी सेल होगी, 11,62,000 के अंदर ये वाली सेल भी तो इंक्लूड होगी। 10,350 वाला हमने लॉस में बेचा है 750 के, चेक करो तो कितने का बिका होगा ये। 10,350 में जो हमने बेचा है, 10,350 वाला माल 750 के लॉस पे बेचा है, तो 9,600 में बिका होगा। एबनॉर्मल आइटम 9,600 में बिका जिसपे मुझे लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ उसके ऊपर 750 का, बेकार आइटम पे। तो 10,350, 9,600 में बिका होगा, राइट। तो सेल्स कितनी थी, 11,62,000 थी ना, 11,62,000 में से ये वाली सेल हटा दो 9,600 वाली, तो नॉर्मल सेल कितनी बच गई, 11,52,400 रुपए, 11,52,400 रुपए की नॉर्मल सेल बच जाएगी, राइट। ठीक है, अब नॉर्मल सेल अलग लिख दी, नॉर्मल सेल अलग, दोनों मिला के 11,62,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए अभी पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा गुड वाला। तो 20,700 में से आपने कितना माल बेच दिया, 20,700 में से भाई मैंने बेच दिया 10,350 वाला, तो 10,350 का माल बच जाएगा। बाकी खराब माल भी कितना बच गया मेरे पास, 10,350 भी बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे आप, जीपी, जीपी कितने परसेंट था, 20%। जीपी कितना था, 20% था ना, तो 11,52,400 का, 11,52,400 का 20% करो, 2,30,480 आ जाएगा, 2,30,480 रुपये आ जाएगा इसका। ठीक है, 2,30,480 रुपये अभी भी आ जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 230,480 टोटल करते हैं, बैलेंसिंग निकालते हैं कितना निकलता है इसका, देखते हैं। इसका तो बैलेंसिंग निकाल दिया, टोटल हो गया 2,700, 2,700 टोटल करते हैं इसका, 2,25,000, 10,15,000 और 2,30,480, 14,70,480 रुपये, 14,70,480 रुपये, 14,70,480 रुपये। इसमें से माइनस कर दो 11,52,400 रुपये, तो आ गया 3,18,080 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक। 3,18,080 रुपये का हमारा क्या आ गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सी वर्किंग रहती है, वो वर्किंग कर देनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, वैल्यू ऑफ स्टॉक 3,18,080 रुपए का तो सही माल था और 10,350 का खराब माल था, टोटल मिला के हो गया 3,18,080 रुपए प्लस 10,350 रुपए, तो 3,00,000
28,430 रुपए का स्टॉक हमारे गोडाउन में है टोटल। सेल्वेज वैल्यू कितनी बच गई, सेल्वेज जो सेफ बच गया मतलब कि स्क्रैप वगैरह, सेल्वेज कितने का है, 17,500 रुपए का, ये माइनस कर दो। सेल्वेज हटा के बताओ नेट लॉस कितने का, 3,28,000 में से अगर 17,500 ठीक है तो 3,10,930 रुपए का, 3,10,930 रुपए का मेरा नेट एबनॉर्मल लॉस आ गया। ठीक है, अब एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर कोई बहुत टफ काम नहीं है, वेरी वेरी इजी एवरेज क्लॉज निकालना है। एवरेज क्लॉज में जो पीछे फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे यहाँ पर भी, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, लॉस कितना हुआ 3,10,930 डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक कितना था हमारे पास, 3,28,430 रुपए का टोटल स्टॉक था। मल्टीप्लाई कर दो इसको पॉलिसी वैल्यू से, पॉलिसी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2,50,000 रुपए की। देखते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम कितना निकल के आता है, 3,10,930 डिवाइडेड बाई 3,28,430 इंटू में 2,50,000 रुपए, 2,36,679 आ रहा है। ठीक है, 236,679 और कुछ भी, सिंपल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एडमिशिबल क्लेम हो जाएगा, जितना कंपनी क्लेम हमें पे करेगी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड, 8 नंबर के लिए इतना ही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं। इसको मैच कर लेते हैं एक बार, कहाँ गया क्वेश्चन, क्लेम क्लेम। ठीक है, 236,679 डन हो गया। ठीक है, अब ये 2015 का दिसंबर 1 का क्वेश्चन है, देखो इसको भी। कॉडिक लिमिटेड दिस रिजल्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्टॉक कवर पॉलिसी कितने की है, 2,00,000 रुपए की, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था, 4,00,000 का। सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 90,000, 4,00,000 में से 90,000 घटा दो, नुकसान कितने का आ जाएगा हमारा, 3,10,000 रुपए का। इसको यहीं देखो, 4 में से 90 गया, 3,10,000 रुपए है। टोटल स्टॉक कितना था हमारे गोडाउन के अंदर, टोटल स्टॉक था 4,00,000, 4,00,000 में से 3,10,000 का नुकसान हो गया। पॉलिसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, पॉलिसी वैल्यू 2,00,000 है, आंसर ही आ जाएगा 1,55। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जी, एक क्वेश्चन और, 2016 दिसंबर 3 का क्वेश्चन कहता है, द फैक्ट्री परमिशन ऑफ आरुषि लिमिटेड वर एंग्लिफाइड विद द फायर ऑन अगस्त 16, 2016 को। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक बर्न टू एशेस, राख में बदल गया मतलब सब। स्टॉक वाज कवर्ड बाई पॉलिसी हमारी 90,000 की थी, एवरेज क्लॉज लगने वाला है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, 31 मार्च 2016 तक का परचेज दिया है, सेल्स दी हुई है पिछले साल की, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पिछले साल का ओपनिंग भी दिया है, यहाँ तक से निकाल लेंगे। अब करंट ईयर का डाटा ये डिफरेंट मार्क कर लेते हैं, करंट ईयर का डाटा अलग, सेल्स भी करंट ईयर की। अब लिखा है एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज किया था मैंने 30,000 वैल्यू एट, कोई स्टॉक मैंने 30,000 का खरीदा था जिसका वैल्यू कितनी हो गई, 18,000, ड्यू टू कुछ भी रीजन हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, यानी 12,000 रुपये उस स्टॉक में कम हो गए। 12,000 रुपये क्या हो गए उस स्टॉक के अंदर, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी कुछ ना कुछ। ठीक है ना, एक आइटम है जो 30,000 का था, वैल्यू कितने पे किया आपने, 18,000 रुपये पे उसको वैल्यू करने लग गए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ड्यू टू ऑप्शंस लिखा दिया है, ड्यू टू ऑप्शंस की वजह से ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंजेस कर लेंगे, वापस इंक्रीज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। ये कब किया हमने, 31st 2014 में, परचेज कब था ये, 2014 का ही, तो पिछले साल का ही आइटम है। अच्छा, इसके ओपनिंग का है ये, तो 1 अप्रैल 2015 है ना, ये 14 का है, तो यानी कि इस आइटम में कुछ प्रॉब्लम है, 1,15,200 के अंदर, इसके अंदर है इस बार एबनॉर्मल आइटम, कितने का, 18,000 रुपये का, तो 18,000 रुपये इसमें से डालेंगे,
और फिर उसकी वैल्यू 12,000 इंक्रीज कर लेंगे तो 30,000 हो जाएगा, वो अलग आइटम है। देखो 2014 में कोई आइटम खरीदा था जो एक्चुअल में 30,000 का खरीदा था, पर मैंने वैल्यू कितना कर रखा है 18, तो इसके अंदर 18,000 रुपये कौन से वाले इंक्लूड है, खराब माल वाले। 18 हटा दो तो 97,200 रुपये तो ठीक माल है, बाकी 18,000 जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 30,000 है, ठीक है ये खराब माल है ये ठीक माल है, बट उसको वैल्यू हमने कितना कर रखा है 18, क्वेश्चन में बताया हुआ ये बात 31 मार्च 2015 को, तभी तो 1 अप्रैल 2015 को इसके अंदर आया होगा वो, ठीक है। हाफ ऑफ दिस स्टॉक सोल्ड करा था जुलाई 2015 में, इस बार एबनॉर्मल आइटम पिछले साल वाले में ही है, करंट ईयर वाले में नहीं है। देखो इसको कैसा डील करोगे इसके साथ। चलिए जी इसको भी करते हैं हम सॉल्व, बस ठीक है यहाँ तक सफिशियंट डन, ठीक है ये आ गया अपना पूरा क्वेश्चन। भाई एक तो बना लेते हैं हम पिछले साल का ट्रेडिंग एंड पीएनएल पहले, अब पिछले साल वाले में मुझे डबल कॉलम बना के करना पड़ेगा, एक दो हो गया हमारा ट्रेडिंग नॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्मल एबनॉर्मल डेबिट और क्रेडिट। अब जब आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे, 1,15,200 के अंदर खराब माल भी है कुछ 18,000 रुपए का, तो 18,000 हटा दो इसमें से, 97,200 लिखो, और खराब माल 18 का तो राइट ऑफ करने के बाद है, अगर राइट ऑफ ना करें तो कितने का है 30,000 का ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 30,000 लिख दो, आप 18 लिख लो, एबनॉर्मल लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले साल के, ठीक है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जीपी किससे निकलेगा हमारे ठीक वाले गुट से, तो 97,200 लिख दिया हमने। अगला परचेजेस कितनी करी पूरे साल में, हमारी परचेजेस कितनी हुई है, परचेज हुई है 4,80,000 रुपए की, 4,80,000 रुपए की हमारी परचेज आ जाएगी, ठीक है 4,80,000 रुपए की परचेज आ गई। सेल्स कितनी है 6,07,800 रुपए, भाई सेल्स 6,07,800 रुपए की हमारी सेल आ गई, ये मैंने डाल दिया। अच्छा इसके अंदर वो वाली सेल भी होगी, खराब माल भी बेचा होगा हमने, एक मिनट रुको कितने में बेचा है, लिखा है ड्यू टू ऑप्शलेंस हाफ स्टॉक, आधा स्टॉक बेच दिया 7,800 में, तो इसमें से 7,800 हटा के लिखो, 6 लाख अलग लिखो, 7,800 अलग लिखो, यानी 30,000 का आधा, यानी 15,000 वाला माल 7,800 में बेच दिया, बाकी गुड्स बचा हुआ है, बाकी गुड्स बचा हुआ है, बाकी 15,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का खराब पड़ा हुआ है, बाकी उसको बेचने पे हमें लॉस भी हो गया कुछ, 15,000 वाला अगर 7,800 में बिका तो लॉस कितने का हुआ 7,200 का, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। परचेजेस भी आ गई सेल्स भी आ गई अपनी, अब कोई और खर्चे तो यहाँ पर है नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपनी, टोटल है इसमें कितना 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक तो बताइए होगा, एक मिनट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 95,400, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें 95,400 रुपए का, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अब 31 मार्च 2016 को जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है इसके अंदर ना खराब वाला माल भी होगा 95,400, बट प्रॉब्लम ये है 95,400 के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस वैल्यू पे इंक्लूड कर रखा है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कितने पे कर रखी है इन्होंने, यहाँ से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है देखो कैसे निकालोगे तुम, इसके अंदर 15,000 भी इंक्लूड होंगे ना, 15,000 भी तो इंक्लूड होंगे इसके अंदर, देखो कैसे करना है, यहाँ पर कहाँ गया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया, ये 95,400 गिवन है, 95,400 रुपए 31 मार्च 2016 को गिवन है, ठीक है एक बार डेट ऑफ फायर भी चेक कर लेते हैं, अगस्त 16 2016 को यहाँ पर ये भी गिवन है, ठीक
ठीक है, और देखते हैं उसके बाद आगे क्या लिखा है। द रिमेनिंग वाज वैल्यू, रिमेनिंग को वैल्यू कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 7,200 रुपए। बाकी बचे हुए को वैल्यू कितने में करना है, 7,200 रुपए में। अगर मैं 7,200 रुपए में बचे हुए स्टॉक को वैल्यू कर लूं ऑन 31 मार्च 2016 को, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन जून 2016, कितने में बेच दिया मैंने, 4,200 में, 4,200 में उसको बेच देंगे, ठीक है ना। 1/4 और द ओरिजिनल स्टॉक का 1/4 हम कितने में बेच देंगे, 4/2 में, 1/4 में, सॉरी 4,200 में आप क्या करोगे, सोल्ड कर दोगे। देखो अब आगे क्या करना है इसका, तो बचा हुआ स्टॉक कितने का वैल्यू किया गया यहाँ पर, 7,800 रुपये का, ठीक है। इसके अंदर 95,400 के अंदर जो 95,400 है उसमें बचे हुए स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 7,800 रुपये। तो 95,400 माइनस 7,800, नॉर्मल गुड्स बचना चाहिए हमारा, सॉरी 7,800 नहीं, 7,200 रुपये लिखा हुआ है ये, एक मिनट, 7,200। तो 95,400 माइनस 7,200, 88,200 जो नॉर्मल गुड्स है वो तो मेरा 88,200 का होगा। बाकी जो ये 15,000 वाला गुड्स है ना, इसकी वैल्यू कितनी कर रखी है उन्होंने, 7,200। कोई बात नहीं, इसका फर्क तो कब पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में, इसका फर्क कब पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे इसको। अब यहाँ पर टोटल लगाओ जीपी, देखते हैं कितना आता है, 6 लाख प्लस 88,200, 688,200, 6,88,200 आ गया, माइनस 97,200 माइनस 480, 1,10,000, 1,10,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 1,10,000 को डिवाइड कर लो, अब इसको सॉल्व करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 1,10,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 100 ऐसा करना पड़ेगा। तो 1,10,000 को डिवाइड कर लिया हमने 6 लाख से, तो ये आ रहा है 18.50%, ठीक है। 1,10 को डिवाइड कर दिया किससे, 6 लाख से, 18.33%, सॉरी, ठीक है। 6,88,200, 688,200 माइनस 97,200 रीचेक कर लेते हैं, 480। अच्छा यहाँ पर भी चेंजेस आ रहा है थोड़ा सा, क्या चेंजेस आ रहा है बच्चे, एक मिनट, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है मैं बता देता हूँ। ये 111 आ रहा है, रीचेक करने पे पता चला कितना आ रहा है, 111 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना हो जाएगा हमारा, 111,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 100। दिस इज करेक्ट कैलकुलेशन नाउ, 111 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 100, 18.5%, दिस इज करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, पिछले साल का हमारा ग्रॉस ट्रेडिंग पी एन एल बन गया। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं, 18.5, बस यहाँ से यही निकला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और कुछ भी काम का नहीं है। इसको एक बार हटा देते हैं नीचे, ठीक है, इसको कर लेते हैं रफ। अब करंट ईयर का भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा, करंट ईयर के ट्रेडिंग पीएनएल को देखो कैसे बनाओगे। इसमें भी डबल कॉलम, चलो ये लो जी, ये पूरा ही बना दिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करंट ईयर, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स। पिछले साल का एक बार क्लोजिंग देखते हैं कितना था, ठीक है, बस 88,200 था पिछले साल का नॉर्मल वाला, और खराब वाला 15,000 था जिसकी वैल्यू उन्होंने कम करके लिखी हुई थी 7,800। तो ओपनिंग स्टॉक डालते हैं सबसे पहले 88,200, वेरी गुड, गुड गुड्स, ये 15,000 रुपये का खराब वाला गुड्स,
फिर करंट ईयर में हमने परचेज भी करी होगी, और तो परचेज कितनी करी है, 1,62,000 की करंट ईयर में हमने परचेज कर रखी है, और इस खराब वाले माल को हमने बेचा भी होगा। फिर खराब वाले माल को कितने में बेचा है हमने, 4,200 में, लिखा है ना, 4,200 में हमने सेल भी करी है एबनॉर्मल आइटम्स की। एबनॉर्मल आइटम की सेल कितने में करी हुई है, 4,200 की, ये गिवन है 4,200, राइट। लास्ट में अब यहाँ लिखो बाई सेल्स, सेल्स डाल देते हैं पहले, बाई सेल्स, सेल्स कितने की हुई है करंट ईयर में, 184,400 की, इसमें से 4,200 लेस कर देंगे तो 1,80,000 की सेल हो जाएगी, 1,80,000 की सेल्स हो गई। इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितने परसेंट, 18.5%, 1,80,000 के ऊपर, 180 × 18.5%, ठीक है, 18.5% कर दोगे 1,80,000 का, तो 33,300 आ जाएगा, 33,300 आ जाएगा। इसका टोटल करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग स्टॉक, तो 88,200 162,33,000 283,500 टोटल आ गया, 283,500 तो हमारा टोटल आ गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,80,000, तो 103,500 आ जाएगा, 103,500, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल गुड्स वाला क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया 103,500 का। अब एबनॉर्मल गुड्स तो हमने बेच दिया, उसको बेचने में कुछ लॉस हुआ होगा और बाकी कुछ स्टॉक बच गया होगा, कितना बेच दिया देखो, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वॉज सोल्ड इन जून, ओरिजिनल का 1/4, ओरिजिनल तो 30,000 था, ओरिजिनल की बात करूँ तो मैं 30,000 था, 30,000 का 1/4 वैल्यू कितनी होती है, 7,500 रुपये, 7,500 वाला माल अगर 4,200 में बेचेंगे तो लॉस कितना होगा, 7,500 माइनस 4,200, 3,300 का, 3,300 का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, 3,300 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट इसको वैल्यू कितने में कर रखा था हमने, 7,800 रुपये में उसको वैल्यू किया हुआ था, कोई बात नहीं, इसको कितने में वैल्यू किया था हमने, 7,800 रुपये में वैल्यू कर रखा था। फिर भी अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बच जाएगा, कितने का था स्टॉक, 15,000 का था, 15,000 में से ये माइनस कर लो, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग निकाल लो, 15,000 माइनस 4,200 माइनस 3,300, 7,500 आ गया यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू पे है 7,500, जो वैल्यू है वो किस पे है, ओरिजिनल वैल्यू पे है 7,500, ठीक है। चलिए जी आगे करते हैं क्वेश्चन, क्लेम निकालते हैं, बस क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया, ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्लेम, क्लेम की वर्किंग करने जा रहे हैं, क्लेम कितना मिलेगा हमें इस क्वेश्चन के अंदर, नेट लॉस कितना हुआ सबसे पहले, तो नॉर्मल गुड्स भी पड़ा है हमारे पास, कुछ खराब गुड्स भी पड़ा है, ठीक है, कुछ नॉर्मल भी पड़ा है और कुछ, ठीक भी है, तो पहले लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक एट नॉर्मल वैल्यू, एट नॉर्मल वैल्यू पे 1,03,500 और एबनॉर्मल वाला आइटम भी है 7,500, तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा मेरे पास, 1,03 और 7, 10, 1,11,000 का टोटल स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, 1,11,000 में से सेल्वेज माइनस कर लो, सेल्वेज कितने की होनी चाहिए हमारी, सेल्वेज वैल्यू अगर गिवन है तो कहीं ये लिखा है कुछ 36,000 का, लास्ट में 36,000 का अगर सेल्वेज है तो बाकी सब हमारा खराब स्टॉक होगा, इसमें से लेस कर लेते हैं, 1,11,000 माइनस 36,000 ये आ गया 75,000 का, ठीक है, तो 75,000 का क्या आ जाएगा आपका, नेट लॉस। अब क्लेम कैसे निकालोगे आप, क्लेम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू चाहिए, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 1,11,000 इंटू में पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, 90,000 पॉलिसी दिया हुआ है, 90,000
तो इसको इंटू कर लेते हैं हम कितने से, 90,000 से, 90,000 से इंटू कर लो, 75 डिवाइड बाई 111 000 इंटू में 90,000, तो 60,810 रुपये आपका आंसर आ गया। तो ये आप कर लोगे 60,810। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दी हुई है, तो वहां से मत देखना कि क्या करा हुआ है, जस्ट ठीक है, जितना मैंने समझाया उतना सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इतने ही प्रिपेयर करके जाएं। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखें, आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये डन कर लिया हमने, देखो एक क्वेश्चन ये रहा, 2017 जून 5 का क्वेश्चन है, कहता है राम ट्रेडर गोडाउन कॉट फायर 29 अगस्त को, गोडाउन में आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, ठीक है, 54,000 के गुड्स सेल्वेज वैल्यू है एंड फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी दिया है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज और सीखेंगे आप, फायर फाइटिंग एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो लास्ट में इससे भी डील कर लेंगे हम कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, देखें कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1 अप्रैल 2015 का दिया है, ये 31 मार्च का भी दिया है, परचेजेस दी है, परचेजेस दी है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स गिवन है, सेल्स फॉर द करंट ईयर भी गिवन है, डिफरेंट मार्क कर लेते हैं इसको, एंड सेल्स भी करंट ईयर की गिवन है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट फायर फाइटिंग एक्सपेंस, ये भी ले लिया उन्होंने, एडमिट कर लिया, पॉलिसी कितने की है, 4,50,000 की एवरेज क्लॉज पे, ठीक है। एक मिनट इस क्वेश्चन को, नाउ फुल क्वेश्चन ऑन एन स्क्रीन, चलिए जी डन, न्यू पेज पे आ गए और इसको करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले मुझे वही बनाना पड़ेगा पिछले साल का, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था सेम वैसे ही। तो राम ट्रेडर्स का गोडाउन है, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको भी, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा पिछले साल का, तो पिछला साल क्या है 31 मार्च, इस डेट पे बनाना पड़ेगा ना, तो एक बार बनाते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट रुपीज एंड रुपीज टू, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 3,55,250, जल्दी जल्दी इसको लिख देते हैं, 3,55,250। परचेजेस कितनी गिवन है, परचेजेस है भाई 3,95,050 रुपए की परचेजेस है। परचेजेस के बाद, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, परचेजेस ये नहीं है, परचेजेस नीचे है 28,39,800 रुपए की, ठीक है। देन सेल्स आता है हमारा, और फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है लास्ट ईयर का, ये दिया हुआ है 395,050, 395,050, और सेल्स कितनी है पिछले साल की, ये दे रखी है 16 की सेल्स, नीचे दे रखी है 40 लाख की सेल्स, कितने की गिवन है, 40 लाख रुपए की सेल्स है। टोटल कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, तो 40 लाख, 39,50,050, 39,50,000, 1 मिनट कितना था, 3,95,050 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारा 43,95,050, 43,95,050 माइनस 3,55,250 रुपये माइनस 28,39,800 रुपये, 12 लाख रुपये आ गया एग्जैक्ट, 12 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जीपी रेट निकालते हैं, 12 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू में 100, 12 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू में 100, 30% का ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया,
सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कुछ भी नहीं होता, एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 30% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अब इसको हटाते हैं साइड, ये पता चल गया हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं एक और, चलिए जी एक ट्रेडिंग पीएनएल और बना लेते हैं अपना, एक बार और बनाना पड़ेगा। एबनॉर्मल आइटम है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक ही कॉलम बना लेते हैं। लो जी यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करंट ईयर, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा हमारा। ये था 395050, 395050 लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस बार का क्या बन जाएगा ओपनिंग। 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर तक की परचेज, अप टू डेट ऑफ फायर तक की परचेज लिखो, 16,55,350 रुपये, जिस दिन आग लगी उस दिन तक की परचेज, उस दिन तक की सेल्स भी लिख दो। सेल्स कितने की है नीचे दे रखी है कहीं, 22,68,000 रुपये की सेल्स दे रखी है। अच्छा परचेज में से एडजस्टमेंट भी थी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कुछ, अभी उसको कर लेते हैं एक बार, सेल्स लिख देते हैं पहले। सेल्स कितनी है, 22,68,000 रुपये की, और परचेजेस कितनी थी हमारी, परचेजेस गिवन थी 16,55,350 रुपये की। इसमें से क्या क्या माइनस करना है देखो, ये तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल वाले, फ्री सैंपल वाला कितना था हमारा 20,500 रुपये, ये लेस करने पड़ेंगे, और ड्राइंग कर ली थी कुछ इसने, ड्राइंग वाले गुड्स कितने थे ड्राइंग वाले 1,000 रुपये के, ये भी लेस करने पड़ेंगे, तो 20 और 21,500 हटाने पड़ेंगे। 16,55,350 में से 21,500 हटा दिए, तो 16,33,850 आ गया, 16,33,850 रुपये का क्या गया हमारा परचेजेस आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30% ऑन सेल्स, जैसे पहले था 22,68,000 का 30%, 6,80,400। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। 395050, 16,33,850, 6,80,400, टोटल हो गया ये 27,09,300 रुपये, 27,09,300 रुपये इसका टोटल भी हो गया 27,09,300 माइनस 22,68,000, 4,41,300 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया यहाँ से। ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक कितना था गोडाउन में, 4,41,300 रुपये का स्टॉक था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ DOF, डेट ऑफ फायर 4,41,300 रुपये का स्टॉक था हमारे गोडाउन के अंदर। सेल्वेज वैल्यू माइनस कर लो इसमें से भाई, सेल्वेज वैल्यू कितनी आई हमारी, सेल्वेज वैल्यू गिवन होगी, सेल्वेज वैल्यू जो बच गया, सेल्वेज वैल्यू शायद ऊपर थी, एक मिनट, सेल्वेज वैल्यू गिवन था 54,000, सेल्वेज वैल्यू कितना है 54,000 माइनस हो जाएगा, फायर फाइटिंग भी क्लेम में मिलेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड ऑन कर देंगे। फायर फाइटिंग एक्सपेंस कितने रुपए थे, 2,350, ये रहा कॉर्नर में 2,350 ऐड ऑन कर दो, तो 441,300 माइनस 54,000 प्लस 2,350 ये आ गया 3,89,650, 389,650, ठीक है, इतने का क्लेम हम मांगेंगे। अब एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा यहाँ पर, पॉलिसी कितने की है, 4,50,000 की, तो एवरेज क्लॉज लगा दो इसमें, देखो क्लेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 389,650 का लॉस हुआ, बट स्टॉक कितना था गोडाउन में, 4,41,300 का, और 4,50,000 की पॉलिसी है, अल्टीमेटली आंसर तो यही आ जाना चाहिए। देखो 389,650 डिवाइडेड बाई 441,300 इंटू में 4,50,000 आंसर आ रहा है इसको मेरे को सॉल्व करके, 39,733,731,
39 लाख 73 हजार, 1 मिनट, ये थोड़ा सा, 3,97,331 रुपये, ठीक है, 3,97,331 रुपये का क्लेम आ रहा है। क्या इतना मिलेगा? इससे ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता लॉस से। तो एडमिट कितना करेगी क्लेम कंपनी? 389,650। इन दिस केस कंपनी एक्सेप्ट कितना करेगी? 389,650 ओनली। दिस लॉस से ज़्यादा कभी भी क्लेम नहीं मिल सकता, ये बात याद रखनी है, लॉस से ज़्यादा कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर लिया। ये क्वेश्चन कब का था? 2017 जून 5 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये तो डन कर लिया। दिसंबर 2007 का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है, ट्रेडिंग वगैरह। तो ये क्वेश्चन तो खुद कर लेना एक। और एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। 2018 जून 5 का क्वेश्चन है ये, 2018 जून 5 का क्वेश्चन। चलो यही क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, इसको यहीं पे देख लेते हैं फटाफट से, डन ओवर करते हैं। क्या कहता है? जून ऑन 15 दिसंबर 2017 फायर अकर इन द बिजनेस परमिसेस ऑफ ओम एक्सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू, एक काम की चीज ये मिल गई सेल्वेज वाली, इसको मार्क कर लो। एक मिनट, तो सैलवेज हमारे काम किया है। उसके बाद स्टॉक एट द क्लोजिंग कितना था? 9,40,000। परचेजेस कितनी दे रखी है वहां से यहाँ तक? जिस दिन 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर तक की, 13,20,000। सेल्स भी दे रखी है यहाँ पर, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी दिए हुए हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जस्ट ओपनिंग स्टॉक लिखो। ओपनिंग कितना? 9,40,000 रुपये 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग था 31 मार्च 2017 को, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग भी यही होगा, 9,40,000। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस कितनी है हमारी? 13,20, सेल्स 20,25 की। तो सेल्स परचेज में डाल दोगे 13,20,000, सेल्स में कितना डाल दोगे? 20,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 20% जीपी रेट गिवन है। तो सेल्स का 20,25,000 का 20% कर देना, 4,05,000 आ जाएगा। 6,40,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। 6,40,000 का क्या आ जाएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। अब 6,40 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सैलवेज वैल्यू देख लो, ऊपर दी हुई थी ये रहा, सैलवेज वैल्यू कितनी गिवन है? 1,40,000 की। 140 माइनस कर देना इसमें से, 6,40 में से 140 माइनस कर दोगे तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम हम मांग सकते हैं। बट 6,40 में से मुझे नुकसान कितने का हुआ? 5 लाख का, और पॉलिसी कितने की थी? 4 लाख की। पॉलिसी वाले से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। पॉलिसी जो 4 लाख रुपए है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 6,40 से, इंटू कर दिया 5 लाख से। ये 4 लाख इधर लिखना चाहिए था, 5 लाख इधर, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इंटू में ही है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना, लॉस ऑफ स्टॉक पूरी तरह से डन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अब लॉस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ तक की प्रैक्टिस करना। चलिए जी, ओके, थैंक यू।